मध्य प्रदेश के हंडिया में सुपरवाइजर और हंडिया राजस्व निरीक्षक संतोष पथौरिया ने बताया कि वे तहसील क्षेत्र हंडिया अंतर्गत आने वाले एक दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का भ्रमण कर बीएलओ को प्राप्त आपत्तियों की जानकारी ली, जिसमें अलग अलग फॉर्म नंबर 6, 7, 8 और फॉर्म नंबर 8 का की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ को समझाइश दी गई कि उनके मतदान केंद्र में 1 नवंबर से आज तक जो भी फॉर्म प्राप्त हुए हैं उन्हें वो कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें, तभी उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रगति ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। और प्रत्येक बीएलओ को एक बीएलओ रजिस्टर भी दिया गया है, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि को डोर टू डोर जाकर जांच करना है। वहीं कार्य को 30 नवंबर 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जमा किए कि नहीं? अभी नहीं, तो उनको 69 जो अपना है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अभी ये जो अभियान चल रहा है।